नमस्कार, मैं हूँ सुजीत सागर और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज। एनडीए जो है वो जीत की ओर रुक कर रही है। इस वक्त हम रामविलास पासवान के आवास पर मौजूद हैं। उनका पूरा परिवार जो है वो इस जीत का जश्न मना रहा है। और रामविलास पासवान इस जीत को क्या कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान की माँ इस जीत को कैसे देख रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुने। ये मोदी नाम का सुनामी था और हम लोग शुरू से कहते आए हैं, रोज ट्वीट करते थे, परसों भी करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि ये कि क्या सोचते हैं। अरे सोचना क्या, ये ओपन सीक्रेट था। जो हम लोग घूम रहे थे 88 सीट घूम रहे, चिराग क्या कहते हैं 50 सीट के लगभग घूमा, तो ये ओपन सीक्रेट था कि मोदी के नाम से सुनामी चल रहा है इस बार। लेकिन एलजेपी का स्ट्राइक रेट 2014 से भी अच्छा है, 6 में 6। जी चलिए, 6 में 6 जीते हैं, ये आप लोगों का क्या कहते हैं धन्यवाद है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा, लोजपा है, भाजपा है, जनता दल यू है, सब लोगों ने मेहनत किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, भाजपा के सभी नेता सुशील मोदी जी ने किया, हम थे, चिराग थे, सब लोगों ने एक टीम वाइज क्या कहते किया। और शुरू से हम लोग कहते थे कि भाई हमारा तो टीम वर्क है, उधर तो कोई टीम था नहीं, सब टूटा फूटा क्या कहते हैं डंडा लेकर के लड़ रहे थे और कहते थे खून खराबा हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चिराग कैबिनेट में जाएंगे? अब चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, इनका पार्टी के अंदर में इनका अधिकार है और ऊपर में प्रधानमंत्री का अधिकार है। चुनाव हो गए, बड़ी जीत हो गई, अब बहू कब आएगी? बस अब जल्दी आ जाएगी बहू इसी का इंतजार था। बहू आ जाएगी? जी बिल्कुल, बहू आ जाएगी जल्दी। तो ये थे रामविलास पासवान। इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान कैबिनेट जाते हैं नहीं, ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान ने अपनी जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया है। और जब चिराग पासवान की माँ से चिराग पासवान की शादी की का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि अब जीत मिल गई है तो बहू भी मिल जाएगी। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livecities.in पर ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।